हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ ये जैक फ्रूट की सब्जी, यानी कि कटहल की सब्जी। तो मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया था और सबसे पहले मैंने इसे बॉईल कर लिया एक चम्मच नमक डालकर, और मैंने इसे 80% तक बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने ली कढ़ाई में तेल और उसमें डाला ये अपने जैक फ्रूट। इनको मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, यानी कि मैं इसको 10% और कुक करने वाली हूँ, और मैं इनको तब तक शैलो फ्राई करूँगी जब तक इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर ना आ जाए। और जैसे ही मैं इनको 5-7 मिनट तक कुक करूँगी, इन पर एक अच्छी सी देखी इस तरह की गोल्डन सी लेयर आ जाएगी, और जो हमारा एक्सेस वाटर था ना वो भी इसमें सब रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे 5-7 मिनट तक पकाने के बाद इसे इस तेल से निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद मैंने सेम कढ़ाई में दोबारा तेल लेना है, और पहले मैं इस तरह से छान करके ले लूँगी, जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। और उसी में मैंने एक चम्मच और तेल डाला, और उसके बाद मैंने डाला उसमें एक चम्मच जीरा, और जीरे को हम थोड़ा सा चटकने देंगे। और जैसे ही जीरा हमारा थोड़ा सा चटकने लग जाएगा, तो उसके बाद मैं अपनी बारीक कटी हुई लूँगी लहसुन, जो मैंने 3 से 4 कली काट ली थी, और इसको मैं अच्छे से 2 मिनट और भूनूंगी। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं डालूंगी इसमें अपनी प्याज। प्याज को मैंने इसमें लंबा लंबा काट कर ले लिया था, इसे हमें बारीक चॉप नहीं करना है, हमें इसी तरह से रफली और मतलब लंबा लंबा काट कर ही लेना है। तो मैंने इसे काट कर हल्का सा भुना था, जब जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का सा एक कलर आ जाए गोल्डन सा, तो हमें इसमें फटाफट से टमाटर डाल देने, और टमाटर भी मैंने जो है लंबे काट कर ही लिए थे, मैंने कुछ भी इसमें बारीक नहीं काटा है। उसके बाद मैंने डाला नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक, आप चाहें मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला गर्म मसाला और हल्का सा चिकन मसाला। तो इन सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो चिकन मसाला स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते, बट इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप ज़रूर डालें यदि आप खाते हैं। तो इसी तरह से मैं इस मसाले को और प्याज टमाटर को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भून लें, ताकि इसमें मसाले को अच्छे से भून जाए और हमारे प्याज टमाटर थोड़े से गल जाए। यहीं पर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, क्योंकि पानी में थोड़े से प्याज टमाटर और अच्छी तरह से भून जाएंगे, जो भी इनका कच्चा फ्लेवर है वो भी खत्म हो जाएगा, टमाटर थोड़े मॉइस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको 5-7 मिनट तक भून लूँ अच्छे से पानी डालकर। तो पानी भी जब तक हमारा सूख नहीं जाता पूरा, तब तक हमें इसे भूनना है। तो जैसे ही हमारा पानी देखें यहाँ पर सूख गया, उसके बाद हम अपने ऐड कर देंगे कटहल, जो भी हमने फ्राई करके रखे थे, तो कटहल ऐड कर देंगे। अब जो भी इसमें 10% की कमी थी पकने में, क्योंकि हमारा 90% कटहल पहले ही पक चुका था, वो हम इन मसालों के साथ भून कर अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही हमारा 5-7 मिनट तक इसे हमें और भूनना, आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टेज पर इसे ढक कर भी पका सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक इसे और भून रही हूँ, और मैंने लो फ्लेम करके ढक कर भी पकाया है बीच बीच में, जिससे इसका फ्लेवर अच्छे से इन कटहल के अंदर चला जाए। और कटहल के पीसेस जो है मीडियम साइज़ के रखें, ज़्यादा मोट ना रखें। जिस तरह से हम इसे मसाले में भून रहे हैं, उस तरह से मसाले में कटहल अंदर तक ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो अंदर से कच्चे या फिर फीके फीके और ऊपर से मसालेदार लगेंगे। तो इसलिए कटहल के पीसेस को थोड़ा बारीक ही रखें, ज़्यादा भी बारीक नहीं रखें। तो ये हमारे कटहल लगभग बन करके तैयार हो गए हैं, तो इसे धीरे से गार्निशिंग करें और गर्मा गर्म कटहल सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें।